पूरे देश की जनता देख रही है। हम गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के लखतर तहसील के ये हजारों दलित, ये हजारों नागरिक आज रोज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ये शपथ लेते हैं कि पूरे जीवन में किसी भी कीमत पे ये दलित विरोधी, ये ओबीसी विरोधी, ये पाटीदार विरोधी, ये आदिवासी विरोधी, ये मुस्लिम विरोधी, ये किसान विरोधी, ये मजदूर विरोधी, ये युवा विरोधी भाजपा को, भाजपा की सरकार को जीवन में कभी एक वोट भी देंगे नहीं। और इस बार 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में पूरी ताकत लगाकर चलकर इस बार उनको गिरा देंगे। गुजराती लोग कहिए कि तुम भाजप में भारी दो आदत तो रिसेंटली आपकी मीटिंग हुई राहुल गांधी से, और जहां पे आपने कहा कि आपने अपनी सारी डिमांड्स राहुल गांधी के सामने रखी है, कांग्रेस के सामने रखी है, और उन्होंने आपकी बात को बहुत पेशेंसली सुना है। क्या डिमांड्स हैं वो 18 या 19 पॉइंट डिमांड जो आपने रखे हैं वो क्या है? बहुत दिनों से मीडिया में ये अटकलें हो रही थी, स्पेकुलेशंस चल रहा था, हार्दिक राहुल को मिला कि नहीं, जिग्नेश मिले कि नहीं, मिले तो क्या मिले, क्या बात हुई, उसको थोड़ा अननेसेसरीली ग्लैमराइज किया जा रहा था। मेरा पोजीशन इतना है इस मामले में कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यदि मिलता हूँ और दलील के तौर पे मान के चलिए वो मुझे पब्लिक डिस्क्लोज नहीं करना, तो उसकी भी मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। राहुल जी को मिलने का भी दूर दूर तक ये मतलब नहीं होता कि मैं कांग्रेस में जुड़ूंगा, बल्कि मैं इस चुनाव तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा। 22 साल के भाजपा के शासन के दौरान दलितों की एक भी डिमांड को लेकर भाजपा की सरकार ने एक भी बार मंत्रणा तक नहीं की, बात भी नहीं किया। 22 साल में सैकड़ों दलित संगठनों ने लगातार मेमोरेंडम सबमिट किए, बार बार अपनी डिमांड्स रखी, एक बार भी संवाद नहीं किया। फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि यदि कांग्रेस को दलितों के वोट चाहिए, दलित देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन यदि चाहिए तो हमारी जिस डिमांड्स को लेकर भाजपा ने बात तक नहीं किया, उस डिमांड्स को लेकर आपकी क्या पोजीशन है, आप भी आपका स्टैंड क्लियर करो। तो ये स्टैंड क्लियर करने के लिए तो मैं राहुल को मिल सकता हूँ ना। बहुत सी डिमांड्स है इस देश के किसी भी जन समुदाय के, कोई 2, 5, 15 तो सवाल है नहीं, बहुत से सैकड़ों सवाल हम से संघर्ष कर रहे, जूझ रहे। तो दलितों के कुछ 17 सवालों को हमने प्रायोरिटी दी थी हमारी समझ के मुताबिक, और किसी दलित संस्था या संगठना को हम जिन मुद्दों, हम जो मुद्दे उठा रहे उसे और या अलग मुद्दे प्रायोरिटी पे रखने का उनको लग सकता है। हमने जो डिमांड रखी थी उसमें ये था कि कल को यदि आप पावर में आते हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है दलितों के वोट लेकर, उसको पहला काम ये करना पड़ेगा कि ऊना की विक्टिम्स को गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने मोटा समडियाला गाँव जाकर जो प्रॉमिस दिया था, आपको बीपीएल कार्ड देंगे, घर का प्लॉट देंगे, 5 एकड़ खेती की जमीन का टुकड़ा देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, सबसे पहले ये सारे प्रोमिसेस पूरे किए जाए। दूसरा, ऊना की विक्टिम्स को न्याय मिले हर कीमत पर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उसका केस एट्रोसिटी के कानून में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक स्पेशल कोर्ट में चले। गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट हो। स्पेशल कोर्ट का मतलब एट्रोसिटी के कानून के मुताबिक ये है कि वैसी कोर्ट जहाँ दलित और आदिवासी के उत्पीड़न के मामलों के अलावा और किसी भी मामलों की वहाँ पर पेशी न हो, उसका मुकदमा न चले, तो उस तरह के स्पेशल कोर्ट बने। गुजरात के भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर हैं दलित समाज के, उनको खेती की जमीन का आवंटन हो,
सीलिंग लो या गवर्नमेंट वेस्टलैंड के अलॉटमेंट की जो प्रोविज़न है उसका स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन हो, ऑलरेडी अलॉटेड जो लैंड है उसका एक्चुअल फिजिकल पोजीशन मिले। गुजरात में हज़ारों एकड़ ज़मीन का आवंटन केवल कागज़ पे हुआ है, कागज़ पे पट्टा देते हैं उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन का आवंटन जो केवल कागज़ पे हुआ उसका पोजीशन भी मिले। गुजरात में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो GR या कुछ सर्कुलर के बेसिस पे चलती है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स है उसका मनगढ़ंत इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिसको बार बार हमको कोर्ट्स में जाकर चैलेंज करना पड़ता है। तो एक रिजर्वेशन एक्ट बने, शेड्यूल कास्ट सप्लान के जो पैसे हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के पीछे ही खर्च हो ऐसा गाइडलाइन है। बावजूद उसके किसी ने फ्लाईओवर बना दिया, कभी PSC बना दिया, या मोदी जी के कहने पर उनका जो टाउन है वडनगर जहाँ पर वो पैदा हुए उसकी डॉक्यूमेंट्री बना दी, या गुजरात सरकार का एक पब्लिकेशन है उसका खर्चा उसमें से निकल गया, ऐसा ना हो। शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे दलितों के पीछे ही खर्च हो, उस प्रकार का एक स्पेशल लॉ बनाया जाए, अनटचेबिलिटी की नाबूदी हो, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो, किसी को मेला उठाना ना पड़े, गटर में उतरना ना पड़े, मृत पशु के निकल का काम न करना पड़े। आज जो लोग इस व्यवसाय में हैं वो जाति के आधार पर, ज़्यादातर सफाईकर्मी कौन रह गए तो दलित 95% केस में। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए जिसके चलते किसी को गटर में उतरना ना पड़े, जिसके चलते मृत पशुओं का निकाल का काम हो। यदि आप ये टेक्नोलॉजी लाते हैं तो ये पेशा जाति के आधार पर नहीं रहेगा, बाकी के समुदाय के लोग भी ये करने के लिए जुड़ेंगे, तो उस तरह से जाति व्यवस्था थोड़ी हिलेगी। फिर सारे वो लोग जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, खेती की जमीन का टुकड़ा नहीं है, घर का प्लॉट नहीं है, तो इस तरह से कुछ बेसिक डिमांड्स है बेसिकली, तो ये डिमांड्स हम लोग रेज किए हैं। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप, लेकिन आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं, तो ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई? इसमें क्या है, ये मुझे लग रहा है इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरी पोजिशन क्या है, ये इस प्रकार से है कि गांधी जी कांग्रेस के कैंप में थे और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सामने संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सामने संघर्ष करने वाले भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी भी थे, लेकिन वो कभी कांग्रेस के कैंप में नहीं गए, लेकिन दोनों का एनिमी एक ही था, तो उस तरह से वो फेलो ट्रैवलर थे। तो न केवल कांग्रेस, सारे वो प्रगतिशील या प्रो पुअर कंसर्न रखने वाले लोग जो इस संघ और भाजपा के फांसीवादी शासन को ख़त्म करना चाहते हैं वो सभी हमारे फेलो ट्रैवलर हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंप में जाकर ही BJP को डिफीट करें या फांसीवाद के सामने संघर्ष करें। हमारे इस आंदोलन और संघर्ष को चुनावी राजनीति में सीमित नहीं करना चाहिए। 7% दलित वोट्स हैं यहाँ पे, क्या इन 7% दलित वोट के बेसिस पे, वो भी स्कैटर्ड होगा, पूरे स्टेट में होगा, किसी एक सीट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, क्या उसके बेसिस पे आप चुनाव जीत सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे, किस तरह से लोग और कम्युनिटीज को आप मोबिलाइज कर रहे हैं अपने फेवर? देखिए, मैं आशा वर्कर और आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन के साथ भी जुड़ा रहा, ऊना के आंदोलन के पहले सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के साथ भी जुड़ा रहा, 6-7 साल ट्रेड यूनियन किया है, लैंड स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व रहा। मैं ऊना के आंदोलन के चलते दलित मूवमेंट का फेस बना, वो सही बात है, लेकिन हमारी लड़ाई या संघर्ष केवल दलितों को लेकर ही नहीं, सारे जो तबके जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जिनको उनका फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, जो सड़कों पर उतरे हैं, उन सभी के साथ है। तो उस तरह से देखें तो मेरी अपील केवल 7% दलितों तक सीमित नहीं है। गुजरात के युवाओं भी मुझसे आकर्षित है, पटेलों के बीच में भी आई एम क्वाइट पॉपुलर, ठाकुर समाज OBC जो के नेता है अल्पेश ठाकुर, उसके मंच पे जाकर मैं खड़ा रहूँगा तो जमकर ताली बजेगी। तो मेरा सामान्य है कि 7% दलितों से बियॉन्ड अभी मेरी एक आइडेंटिटी भी बनी है गुजरात में। और इस बार हार्दिक जिग्नेश अल्पेश ये जो पैकेज चला है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके चलते ये हुआ है कि गांव में पर्टिकुलरली पूरे रूरल गुजरात में ओबीसी में भी पर्टिकुलरली ठाकुर समाज जिससे अल्पेश आते हैं, ठाकुर, पटेल, मुस्लिम और दलित, ये एक पैटर्न पे NDBJP वोट करेंगे।
तो उस तरह से एक एंटी बीजेपी क्लाइमेट खड़ा करने में भी हमारा रोल है। ऊना के बाद हम 15-16 स्टेट में गए और अभी और भी बाकी के स्टेट में जाएंगे, लगातार जाएंगे। अप्रैल में चुनाव है कर्नाटका में, तो हमने तय किया है, आपको पहली बार कह रहा हूँ कि जैसे ही गुजरात का चुनाव खत्म हुआ, बोरिया बिस्तरा लेकर हर महीने 10-12 दिन 15 दिन वहीं पर रहेंगे कर्नाटका में, फिर राजस्थान में इलेक्शन है तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो नेशनली दलित 17% है। इसी के तो चलते गुजरात के CM हो या दूसरे दलित MLAs हो या दूसरे मिनिस्टर्स हो या इवन अमित शाह, सबको रिएक्ट करना पड़ रहा है जो हम कर रहे हैं। 7% को ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, वाई दे हैव टू रिस्पॉन्ड, वाई दे हैव टू रिएक्ट। तो उनका ये जो रिएक्ट करना ही दिखाता है कि 7% होने के बावजूद उनको थोड़ा हिला तो दिया है। ये जो आप पैकेज की बात की आपने, जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक, HAJ का, इस पैकेज को एक दूसरे तरह से भी प्रेजेंट किया जा रहा है, कुछ पोस्टर्स आ रहे हैं। इतनी हाईली पोलराइज सोसाइटी गुजरात की, वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स का आना, आपको क्या लगता है ये आपके प्रोस्पेक्ट को डैमेज कर सकता है, और क्या स्ट्रेटेजी है इस पैकेज की उसको काउंटर करने की? बीजेपी बेहद ही घटिया किस्म की फांसीवादी ताकत है। वो इलेक्टोरल सक्सेस के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या करवा भी सकती है, तो इस तरह का कैंपेन तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन इस देश की जनता को समझ नहीं है कि ये वो लोग हैं जो 4 साल और 10 महीना विकास की बात करते हैं, और जब 2 महीना बाकी रहता है तो राम, रूपाणी, अमित शाह, मोदी वर्सीएस हज, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, इस तरह का जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है उसी पे आ जाते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के डेप्यूटी CM नितिन पटेल ने कहा कि कुछ आंदोलनकारी नेता तो इतने देशद्रोही बन चुके हैं कि जरूरत पड़ने पे अपने कैंपेन के लिए हाफिज सईद को भी बुलाएंगे। तो बेसिकली चाहते क्या है कि हाफिज सईद नाम के एक मुस्लिम का नाम सर्क्यूलेट हो। भाजपा के एक नेता ने एक न्यूज चैनल्स के डिबेट में हमको ऐसा कहा कि आपको मालूम है ISI के लोगों ने पाकिस्तान के अलग अलग चैनल्स के माध्यम से गुजरात में कांग्रेस को जिताने के लिए 1000 करोड़ दिए। पूरा बकवास जो है ये एक इंटेंशनली एक स्ट्रेटेजी के भाग रूप हो रहा है, जिसका पर्पस एक हिंदुत्व की कम्युनल लहर खड़ा करना है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भाजपा ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगी। जिस प्रकार के आज मटेरियल इश्यू समाज में खड़े हुए, नोटबंदी की जो मार पड़ी, GST के चलते सूरत के व्यापारियों ने सड़कें जाम की, हम लोग भी जब बात करते हैं तो केवल ऊना या थानगढ़ दलित हत्याकांड की बात नहीं करते, केवल नमो बुद्धा या जयभीम नहीं बोलते, हम गुजरात के और देश की जनता के सारे सवालों की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क पूरा क्यों नहीं हुआ। CAG के रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की फिनेंशियल इरेगुलरिटीज बाहर क्यों आई। जय अमित शाह का 16,000 गुना विकास कैसे हो गया। 50 लाख मकान बनाने का प्रॉमिस जो पिछले चुनाव में दिया था उसका क्या हुआ। 2 करोड़ युवा के रोजगार का क्या हुआ। विदेशी बैंकों में पड़े वो 15 लाख का क्या हुआ। तो इस देश की जनता के अस्तित्व के साथ जुड़े जो सही मुद्दे, जो सही सवाल है, उसको लेकर भी हम जमकर बात करते हैं। इस तरह के कम्युनल पोलराइजेशन के अटेम्प्ट को आप एक प्रोग्रेसिव कंटेंट से काउंटर करेंगे? बिल्कुल, उतना आसान नहीं होगा, लेकिन यही अटेम्प्ट है। वो कहे कि राम मंदिर बनाएंगे तो हम कहेंगे भाई पहले PHC बनाओ, CHC बनाओ। हम कहेंगे कि पूरी दुनिया में ना ऐसा यूनिवर्सिटी कोई खोलो या गरीबों के बच्चे पढ़े, तो वो हम यही कहेंगे कि पेट्रोल डीजल का भाव क्यों बढ़ा, तो वो कहेंगे पाकिस्तान वाले ख़राब है। हम कहेंगे इस देश की जनता को आज भी रोटी, कपड़ा और मकान क्यों नहीं, तो कहेंगे पाकिस्तान वाले डेंजरस है। 2 लाख करोड़ युवा के रोजगार का क्या हुआ, पाकिस्तान वाले डेंजरस है। तो वो उसी ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करेंगे, हम हमारे ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम केवल रिएक्ट नहीं करेंगे, खुद का एजेंडा भी सेट करेंगे। इसीलिए तो वो नारा दिया कि गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो। केवल इतना कहते कि गाय की पूछ आप रखो तो वो रिएक्शनरी हम दिखते। जब ये कहते कि हमें हमारी ज़मीन दो, हमें 50 लाख आवास दो, हमें 2 करोड़ रोजगार दो, तब खुद का एजेंडा सेट करते हैं। तो खुद का एजेंडा सेट करते हुए उनकी कम्युनल कंटेंट को प्रोग्रेसिव कंटेंट के जरिए काटना है। गुजरात में
ब्रॉडली टू पार्टी सिस्टम टाइप इलेक्शन होता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है। यहाँ पे बहुत स्कोप नहीं होता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए या दूसरी नई पार्टीज़ के लिए। कहाँ सीट के बेसिस पे आप उस 150 के क्लेम को कहाँ पे देख रहे हैं, कांग्रेस किस को कहाँ देख रहे हैं? मुझे इस बार जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ डिफीटिंग बीजेपी। इतना असंतोष इतने 22 साल के शासन के दौरान कभी नहीं दिखा था। और इस बार सीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, और सीएम का चेहरा अब तक जो रहे विजय रूपाणी, उसकी जनता में किसी को अपील नहीं है। उसका कोई नमास बेज है, नमास अपील है, ही इज़ अ टेरिबली फेल्ड पॉलिटिशियन। तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। It's going to be very difficult for BJP. So this is what Jignesh had to tell you. Thanks for watching NewsClick.